अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, किताब नाक में हम आज के अदब पर गुफ्तगू करते हैं, इसलिए कि हमारा मानना है गो इंसानी फितरत की असास एक सी है, मगर मौजूआत का तनव्वो, तख्लीकार का तर्ज एहसास, तर्ज बयां बदल गए हैं। लेकिन अश्क अंकल, आज का अदब तो बेअदब हो गया है। लड़कियां लड़के माँ बाप के सामने टिकटॉक बनाए जाते हैं। अच्छा, ज्यादा फैलिए मत, पहले सुन लीजिए। सर, आज हम कौन सी किताब डिस्कस कर रहे हैं? राख से लिखी गई किताब, डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर के अफसानों का मजमुआ। राख से लिखी हुई किताब? किसकी राख से? असल में ये एक अफसाना है जो इस किताब में शामिल है। अब ये किताब क्या है? ये दर हकीकत अफसानों का मजमुआ है। इस किताब में कहानी के अंदर कहानी खुलती है। वाह, यानी कहानी में चमदानी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि नासिर अब्बास नैयर अहदे हाजिर के नबाज हैं। हमारा कारी जो है अभी तक दास्तान से बाहर नहीं आया। उन्होंने कोशिश की है कि अफसाने में एक कहानी का रंग भी कायम रहे और विजडम की बातें हों और कारी को अपनी गिरफ्त में भी रखें। बिल्कुल, और हर कहानी एक तासुराती इजहार लिए है और इस पर मुस्तजाद मुसन्निफ की खिरद अफरोज बातें कमाल किया है। सर, राख को पंजाबी में सुहाग कहते हैं ना? जी हाँ। सवेरे सवेरे जी बुढ़िया नु कहंदी वे तेरे सिर की सत्तां चुल्लियां दी सुहाग। भाई अफसाना लिख रही है। आपके इन बेहंगम लतीफों पर हम हंसने वाले नहीं हैं। मुझे तो हंसी आ जाती है। तुम तो पागल हो। अमीरा नामी एक खातून जो के दो बच्चों की माँ है, उसे एक खत मौसूल होता है अपने साबिक शोहर की तरफ से, जो के एक जंग में जाता है और 7 बरस तक नहीं लौटता। तुम्हारी माँ का निकाह उससे हुआ था, मगर वो 7 साल तक गायब रहा। सब लोगों ने कहा कि वो जंग में मारा गया है। फिर तुम्हारे नाना ने अमीरा की शादी मुझसे कर दी। क्या वो खुद आया था? नहीं, ये सिर्फ खत मिला है। वो अमीरा के बारे में सब कुछ जानता है। खुदा जाने वो क्या चाहता है। वो बुरा आदमी नहीं था, जंग में उसका दिमाग चल गया होगा। जंग में उसका दिमाग चला या नहीं चला, लेकिन अब उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। मुझे तो समझ नहीं आता वो इतना अरसा कहाँ रहा। इतने साल गुजार लिए थे तो बाकी उम्र भी गुजार लेता। मेरा जी चाहता है जब वो मुझे मिले तो मैं उसका गला घोंट दूं। अम्मा, आपने वाकई किताब पे हाथ रख के वादा किया था? ये सवाल तो तेरे अब्बा ने मुझसे कभी नहीं किया। अब्बा, आपने पूरा खत पढ़ा है? मैंने मौलवी साहब से मशवरा किया है। वो कहते हैं कि अगर 4 साल तक किसी की खैर खबर ना मिले तो निकाह टूट जाता है। उसने खत में लिखा है निकाह टूट जाता है, कसम नहीं टूटती। कसम का कफारा अदा हो सकता है। अब्बा, मैं पूरा गांव फिरा हूं, कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो हमारे बारे में इतना जानता हो। ये हमारी टो में क्यों लगा रहा? वो बुरा आदमी नहीं था। ये अमीरा का, इसके दिल का और उस शख्स का मामला है। हमें इससे बाहर रहना चाहिए बेटा। अब्बा, मैं अपने जज्बात का क्या करूं? जब मैं उस शख्स को अम्मा के साथ तसव्वुर करता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। बेटा, वो बुरा आदमी नहीं था। वालिदैन की 2 जिंदगियां होती हैं। तुमसे पहले भी तेरी अम्मा की जिंदगी थी, उसे कबूल करो बेटा। सर, अगर इनको गांव में कोई इतना करीब से नहीं जानता तो फिर वो खत किसने लिखा? पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो खातून को इतने करीब से जानता, फिर ये कौन था? सर,
सर, हम सेफली ये कह सकते हैं कि उसके बाप ने हसद में आकर ये खत लिखा? कह सकते हैं, लेकिन यकीन से नहीं। कहाँ से आए हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ का नहीं हूँ? तुम्हारे बदन की बू से पता चला। मैं समझा नहीं। तुम जहाँ से आए हो वहाँ की बू साथ लेकर आए हो। गूंगों बहरों के शहर में चलना फिरना उठना बैठना हाथ हिलाना देखना, किन चीजों का कोई ना कोई मतलब है। मुझको तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सब आंखें मेरी तरफ देख रही हैं और मैं खुद को नंगा महसूस कर रहा हूं। बादशाह के शहर में बंदा बन के रहना कुछ मुश्किल है और मैं तो इस जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। रात तुम कुछ बोल रहे थे, किसी ने बोलते सुन लिया तो धर लिए जाओगे। एक भूला भटका शख्स अंधों के शहर में पहुंचता है जहां ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन बगावत के बाद बादशाह एक दीवार तामीर कराता है और ये लाजिम करार दे देता है कि हर कोई अपने अपने खाने में शिकायत करे, लिखे कुछ ना कुछ दीवार पर, जरूर तहरीर करे। ऐसी ऐसी कहानियां खुलती हैं कि खुदा की पनाह। यानी कहानियां लिखने वालों ने तख्लीक को उस नहज पे पहुंचा दिया कि वो अपने दांतों से एक दूसरे को चीर फाड़ दें, यानी अल्फाज के चुनाव से। अंधों के शहर में आने वाले आदमी ने पहले पहल सोचा था कि वो भी दीवार पर कुछ ना कुछ लिखेगा, लेकिन इस जबरजदा माहौल को देखकर वो इस नतीजे पे पहुंचा कि लिखने से ज्यादा बड़ी सजा बादशाह के शहर में आदमी बनकर रहना है। भाई पहले पहल तो लोग इन खानों में दूसरों के अकवाल और किस्से कहानियां लिखते रहे, जो कभी सुनी वो उन्होंने लिख दी। अरे कोई माँ का मुआशका, इस किस्म की अजीब गरीब कहानियां। और जैसे जैसे उनको आजादी मिलती गई वो और तख्लीकी होते गए। बिल्कुल। मसलन किस किस्म की कहानियां? जैसे देखिए मकड़ी और मक्खी की कहानी। एक मकड़ी ने मक्खी को निगलने से पहले पूछा कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो फिर उसने क्या कहा? भाई मक्खी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी अजियत ना देती। मकड़ी ने कहा मैं कुछ समझी नहीं। मक्खी ने कहा खाने से ज्यादा निगलने से ज्यादा तुम्हारा ये पूछना मेरे लिए बहुत अजियतनाक है। वाह 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 वाह, जबरजदा मुआशरे में ये पूछना कि आप कौन सी मौत मरना चाहेंगे बजाते खुद एक बहुत अजियतनाक चीज है। गुमनाम खत, अकीदा आदमी का होता है लाश का नहीं। औरत को ज्यादा मोहब्बत किस से है? अपने मैके से।